दोस्तों, पहला पैच लड़ते हुए नीचे से नस्कर पड़ा काइट क्लब, ऊपर से क्वीन वॉरियर काइट क्लब, ऐसे ही हो चुका है। बहुत ही अच्छा हवा है, दोनों ही हवा की क्लबें हैं। उन्होंने कद्दा थो किया, उन्होंने लेट मुंडा खींचा, चक्करों पे रोका, अब ये कटे हैं। आइए दोस्तों, ये दूसरा पैच नीचे से घूम ऊपर से इस बार आया तो कि भाई सही हो चुका है। गद्दा सो किया, चक्करों पे रोका, फंसा हुआ हो गया पैच, पैच आई नहीं अभी। काट दिए रॉकी ने। आइए दोस्तों, इसका नीचे से आए हुए हैं रॉकी भाई, ऊपर से आए हुए हैं गोपाल दा एगेंस्ट में। बहुत ही अच्छा हवा है, अंदर आने के लिए बोले जा रहा है, सही हो चुका है। उन्होंने उठा लिया, शायद अभी लगी नहीं, फिर ले जाके उन्होंने रखा, इन्होंने भी रखा। बहुत ही अच्छा, रॉकी भाई का दूसरा दो काट चुके हैं, ये तीसरा है। इस बार ऊपर से रुकने के लिए आए हुए हैं नांडू था, बहुत ही अच्छा पेयर है नांडू का, सही हो चुका है। ऊपर से पतंग चलाया, इन्होंने उठा के रखा, उन्होंने भी रखा, फंसा हुआ है। जैसे आए हुए नंडू था, इससे पहले बहुत ही अच्छा फंसा चला था, अभी सही नहीं हुआ है। उन्होंने पतंग को अभी रखा, अभी सही हो चुका है। नीचे से नंडू था, ऊपर से इस बार है गुड्डू भाई, बहुत ही अच्छा हवा है। उन्होंने कद्दा मारा, उन्होंने अंदर दे दिया, बहुत ही अच्छा अंदाज देके काट दिया नांटू था। इसी के साथ आपका दो पैच पूरे कर दिए दोस्तों। ये नांटू का तीसरा पैच, नीचे से नांटू था लगे हुए हैं, ऊपर से इस बार आए बिकी भाई, सही हो चुका है। बहुत ही जोर की हवा है, सही हो चुका है। चमकाते हुए नांटू था, उन्होंने भी ले जाके रखा, इन्होंने भी रखा, पैच शायद आई नहीं, शायद पैच आई नहीं है अभी तक। उठा लिया पतंग, ऊंचा करके दे दिया नंडू दा ने। उन्होंने गद्दा सो किया, गद्दा चला, उन्होंने अंदर तोड़ फेंका, बहुत अच्छा लाजवाब पैच काटा नंडू दा ने। ये नंडू दा का चौथा पैच, इस बार ऊपर से आए हैं आकाश भाई, अभी सही नहीं हुआ, सही हो चुका है, सही हो चुका है। इससे पहले बहुत ही अच्छा काटा नंडूदा ने, उन्होंने गद्दा सो किया, गद्दा चला, उन्होंने चमकाते गए, चक्कर पे रोका, बहुत अच्छा फिर से काट के चार पैच पूरे कर लिए दोस्तों। ये पांचवा पैच, इस बार आए हैं ऊपर से छोटका, इससे पहले नंडूदा चार पतंग काट चुके हैं, सही है, चमकाते हुए नंडूदा कट किया, ऊपर से आते हुए चुटका, फिर बाहर निकाला। बहुत ही जोर की हवा है, कन्न
मैं के पास रखा हुआ है। अंदर आया, अंदर आते हुए छुटका, फिर से बाहर बाहर निकाला, गद्दा रखा, उठा लिया, उठा के दे दिया नंटू दा ने। उन्होंने रखा कटे नंटू दा। आइए दोस्तों, इस बार नीचे से आए आकाश भाई और ऊपर से आए हैं नस्कर पड़ा भाई के मेंबर। उन्होंने गद्दा चला, इन्होंने खींचा, बहुत अच्छा खींच के आकाश भाई एक पैच पूरे कर लिए। दोस्तों आकाश भाई दूसरा पैच लेते हुए इस बार ऊपर से आए हुए हैं बाबाई। बहुत ही अंदर अंदर बड़े हुए हैं आकाश भाई। उन्होंने पतंग ऊपर करके रखा है। सही हो चुका है। नीचे नीचे बढ़ते हुए आकाश भाई, उन्होंने पतंग को रखा, फिर से ऊंचा कर लिया, बाहर निकाला आकाश भाई ने। उन्होंने रखा, पैसा सही है। पैसा सही है। उन्होंने गद्दा चला, पूरा गद्दा चला, इन्होंने बाहर खींचा लेकिन कट गए। ये दोस्तों नीचे से आए हुए हैं बाबाई भाई, नस्कर पड़ा काइट क्लब हावड़ा। इससे पहले बहुत ही अच्छा गद्दा मार के काटा। ये दूसरा पैच लेते हुए नीचे से बाबाई भाई, इस बार ऊपर से आए हुए हैं रॉकी भाई। सही हो चुका है। लगभग 16-17-18 की हवा चल रही है। पैच सही है। उन्होंने गद्दा चला, इन्होंने रोका लेकिन कट गए। दोस्तों इस बार नीचे से आए हुए हैं गुड्डू भाई और ऊपर से आए हुए हैं कौशिक भाई। अभी सही नहीं हुआ है। नीचे से बढ़ते हुए सही हो चुका है। उन्होंने पतंग को रखा, इन्होंने बाहर निकाला। बहुत ही तेज हवा है, पट किया। इन्होंने गद्दा चला, इन्होंने चक्कर रोके दिया, चक्कर रोके रोका लेकिन कट गया। अरे भाई सुन तो जोड़ी। दोस्तों ये कौशिक भाई दूसरा पैच लेते हुए इस बार नीचे से आए हैं। इससे पहले ऊपर से बहुत ही अच्छा गद्दा मार के काटा। अभी सही नहीं हुआ है। अंदर अंदर बढ़ते हुए कौशिक भाई और ऊपर से आए रॉकी भाई। उन्होंने पतंग को रखा, सही हो चुका है। उन्होंने गद्दा चला, बहुत ही अच्छा गद्दा मार के काट दिया। आइए दोस्तों इस बार नीचे से आए हुए रिंटू भाई और ऊपर से आए हुए हैं बाबूदा। बहुत ही सीनियर प्लेयर है और बहुत ही टेक्निकल प्लेयर है। हवा बहुत तेज है। सही हो चुका है। देखते हैं क्या होता है। नीचे से रिंटू भाई, ऊपर से बाबूदा। सही हो चुका है। दोनों ही अच्छे खिलाड़ी। फंसा दिया बाबूदा ने, पैच फंसा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कट गए बाबूदा। ये दोस्तों रिंटू दा दूसरा पैच लेते हुए इस बार ऊपर से आए हुए गोंटू भाई। सही हो चुका है। उठ गया रिंटू दा का और इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए। नीचे से नंटू दा, ऊपर से आकाश भाई। पैच सही हो चुका है। देखते क्या होता है। इससे पहले नंटू दा ने चार पतंग बहुत ही अच्छा काटा। उन्होंने गद्दा चला, इन्होंने चक्करों पे रोका, बाहर मुंडा पे झटक न किया लेकिन कट गए नंटू दा। दोस्तों इस बार नीचे कैलाश आए हुए
ऊपर से घूंटू, सही हो चुका है। रखा थोड़ा ऊंचा करके रखा, लेकिन कट गए कैलाश भाई। आइए दोस्तों, इस बार नीचे से आए हुए हैं आकाश भाई, ऊपर से रीतम दा, सही हो चुका है। ओवरन ने ऊपर को ऊपर काट के नीचे छोड़ा है, सही है पैच। अंदर अंदर बढ़ते हुए आकाश भाई, थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए सही 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 है। बाहर निकालते हुए आकाश भाई ने रखा, आकाश भाई ने अंदर दे दिया, अंदर में थपका, बहुत अच्छा थपक के लाजवाब पैच करता आकाश भाई। आइए दोस्तों, आकाश भाई दूसरा पैच लेते हुए, इससे पहले बहुत ही अच्छा काटा, इस बार ऊपर से आए हुए कौशिक भाई, सही हो चुका है। नीचे नीचे बढ़ते हुए आकाश भाई, बाहर निकाला पैच, सही है। बहुत तेज हवा, उन्होंने चक्करों पे रुका, इन्होंने झटका किया, बहुत अच्छा झटका के दूसरे पैच पूरे कर लिए दोस्तों। आकाश भाई तीसरा पैच लेते हुए ऊपर से आए हुए नांटू दा, सही हो चुका है। नांटू दा ने करता चला, उन्होंने बाहर खींचा, नांटू दा ने चला, बहुत अच्छा करता मार के नांटू दा काट दिया। नांटू दा नीचे से इससे पहले बहुत ही अच्छा करता मार के काटा, ये दूसरा पैच लेते हुए ऊपर से आए हुए छोटका भाई, सही हो चुका है। चेस करते हुए नांटू दा, उन्होंने पतंग ऊंचा किया, अंदर अंदर बढ़ते हुए नांटू दा, उन्होंने रखा, नांटू दा ने पूरा खींचा, उन्होंने भी पतंग के सीधा खींचा और खींच के काट दिया, इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए छोटका भाई। दोस्तों इस बार नीचे से आए हुए रिंटू दा, ऊपर से बाबाई, सही हो चुका है। नीचे नीचे बढ़ते हुए बाहर निकाला, उन्होंने ऊंचा किया, चेस करते हुए पैस सही है। नीचे नीचे रिंटू दा, उन्होंने पतंग को रखा नहीं, ऊंचा कर लिया, सही है। अंदर मुंडा में रखा, कत्ता चला है, बहुत ही अच्छा सूता लग के कट गए। तो बाबाई भाई अपना दूसरा पैच लेते हुए नीचे से बीपी भाई, ऊपर से बने हुए बाबाई भाई, सही हो चुका है। इससे पहले डोर लग गई थी, उन्होंने कत्ता चला, उन्होंने पट किया, उन्होंने पूरा गत्ता चला, उन्होंने पट कर लिया, ऐसा ही है। उन्होंने बाहर निकाला, नीचे नीचे पड़ते हुए बिकी भाई, दो पैच पूरे कर लिए बाबाई भाई। तीसरा पैच लेते हुए ऊपर से नीचे से इस बार आए हैं रॉकी भाई, सही हो चुका है। उन्होंने ले
रोड अभी लगी नहीं। उन्होंने गद्दा सो किया, पूरा गद्दा चला, इन्होंने थपक दिया। इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए रॉकी भाई। रॉकी भाई दूसरा पैच लेते हुए इस बार ऊपर से आए हुए बाबूदा, सही हो चुका है। देखते क्या होता है। नीचे से रॉकी था, ऊपर से बाबूदा, पैच सही है। उन्होंने उठा के दिया, बाबूदा ने रखा, इन्होंने अंदर में थपकना किया, बाहर खींचा, बाबूदा ने अंदर मुंडा में रखा, लेकिन कट गए। इस बार नीचे से आए हुए गुड्डू भाई और ऊपर से नांटू था, अभी सही नहीं हुआ है, सही हो चुका है। उन्होंने बाहर निकाला, नंटूदा ने रखा, पैच फंसा हुआ है, देखते क्या होता है, लेकिन कट गए गुड्डू भाई। इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए नंटूदा। तो ये नंटूदा दूसरा पैच लेते हुए ऊपर से नीचे से आए हुए छुटका भाई, सही हो चुका है। इससे पहले बहुत ही अच्छा काटा नंटूदा ने, उन्होंने उठा के दिया, नंटूदा ने रखा, पैच फंसा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हाथ मार के काट दिया छटका भाई। इस पैच को समझते हैं। इस बार नीचे से आए हुए विक्की भाई, छटका भाई के पता लग रहा था, ऊपर से रीतम था, सही हो चुका है। नीचे से विक्की भाई, विंड वॉरियर स्काई क्लब, ऊपर से ओपोनेंट, उन्होंने गद्दा रखा, उन्होंने पूरा गद्दा चला भिटकाते हुए विक्की भाई, लेकिन कट गए। नीचे से छुटका, ऊपर से ओपोनेंट, सही हो चुका है। नीचे से छुटका भाई, ऊपर से गोपाल दा, पैस सही है, देखते हैं क्या होता है। छुटका खींचते हुए बहुत ही अच्छा खींच के उसका झोल काट दिया। इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए छुटका भाई। छुटका भाई दूसरा पैच लेते हुए ऊपर से आए हुए बाबूदा, पैस सही है। बाबूदा ने सीधा मुंडा पे रखा, छुटका भाई ने सीधा मुंडा के मतलब चक्रों पर रुका हुआ है, लेकिन कट गए बाबूदा। इसी के साथ छुटका दो पैच पूरे करे। तो इस बार नीचे से आए हुए रिंटू भाई, ऊपर से नांटू था, सही हो चुका है। अब देखते क्या होता है। उन्होंने रखा पैच फंसा हुआ है, लेकिन कट गए रिंटू भाई। नीचे से गुड्डू भाई, ऊपर से नांटू दा, दूसरा पैच लेते हुए ऊपर से लड़ रहा है नांटू दा, नीचे बुला रहा है ओपोनेंट को, पैच सही है। नांटू दा ने रखा, पैच फंसा हुआ है, देखते क्या होता है। मतलब उठाने के चलते नांटू दा ने कट लिया। इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए गुड्डू भाई। इस बार नीचे से आए हुए गुड्डू भाई, ऊपर से कैलासुसा, पैच सही है। कैलासुसा ने रखा, उन्होंने चक्करों पर रखा हुआ है, देखते क्या होता है। पैच फंसा हुआ है और बहुत ही अच्छा मुंडा पलट के कैलाश भाई ने काट दिया, लेकिन उसी के साथ कैलाश भाई के पता चल गया। ठीक है दोस्तों, इस बार नीचे से आए हुए रीतम भाई, ऊपर से आए हुए रॉकी भाई, अभी सही नहीं हुआ है, सही हो चुका है। नीचे से रीतम भाई, ऊपर से रॉकी भाई, पैच सही है, देखते क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन हवा और बहुत ही जोर का हवा, 15-20 का हवा चल रहा है। रॉकी ने पूरा गद्दा चला, उन्होंने बाहर खींचा, लेकिन दोनों का पतंग एक ही साथ चला गया, ये पैच बराबर हो गया। इस पैच को समझते हैं। नीचे से विक्की भाई आए हुए हैं, ऊपर से बाबाई, अभी पैच सही नहीं हुआ, पैच सही हो चुका है, देखते क्या होता है। इससे पहले पैच बराबर हो गया था। अंदर अंदर बढ़ते हुए विक्की भाई, बहुत ही अंदर आ चुका है विक्की भाई, उन्होंने पतंग ऊंचा कर लिया। पैच सही है, देखते क्या होता है। उन्होंने गद्दा चला, विक्की भाई ने बाहर खींचा, उन्होंने बहुत अच्छा अंदर देखी,
बीकी भाई का झोल काट दिया। बाबाई भाई दूसरा पैक लेते हुए इस बार नीचे से आए हुए आकाश भाई, देखते हैं क्या होता है। कोई सही नहीं हुआ है, बाहर का बाथरूम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे आकाश भाई कुंडा ऊंचा किया, उन्होंने गद्दा चला और बहुत ही अच्छा गद्दा मार के दो पैच पूरे कर लिए। नीचे से कैलाश भाई, ऊपर से बाबाई भाई गद्दा मारा, कैलाश दाना सीधा मुंडा पे थपक थपक का, लेकिन कट गए। इसी के साथ चार पैच पूरे कर लिए बाबाई भाई। अंधेरा आ चुका है और ज़्यादा पैच होगा नहीं, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इस बार नीचे से आए हुए गुड्डू भाई, ऊपर से बने हुए बाबाई भाई। इससे पहले चार पतंग काट चुके हैं, ये पांचवा पतंग, देखते हैं क्या होता है। सही हो चुका है, नीचे से गुड्डू भाई, ऊपर से बाबाई भाई, पैच सही है। उन्होंने फंसा लिया गुड्डू भाई ने, पैच फंसा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। दोनों ही चक्करों पे रखे हुए लेकिन कट गए। इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए गुड्डू भाई ने। तो गुड्डू भाई दूसरा पैच लेते हुए ऊपर से आए हुए ओपोनेंट, ऐसे ही है, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने रखा, जैसे ही गुड्डू भाई ने बाहर खींचा तुरंत कट गए। आइए दोस्तों इस बार नीचे से आए हुए रितम भाई और ऊपर से आए हुए बिकी भाई, कोई पैसे ही नहीं हुआ, ऐसे ही हो चुका है। नीचे से रितम भाई बढ़ते हुए, ऊपर से बिकी भाई, बहुत ही अंदर आ चुके हैं रितम भाई। ऊंचा कर लिया बिकी भाई ने, बाहर निकाला, अंदर आए, ऊपर से रखा बिकी भाई ने, ऐसा ही है। बहुत ही तेज हवा है, आप लोग देख ही सकते हो। 15-20 का हवा है। बिकी दा ने पूरा गद्दा मारा, उन्होंने रोका, चक्करों पे रोका हुआ लेकिन कट गए बिकी भाई। इसी के साथ एक पैच पूरे कर लिए रीतम भाई। ये दोस्तों इस बार नीचे से आए हुए आकाश भाई और ऊपर से आए हुए गोपाल भाई, कोई पैच सही नहीं हुआ है, सही हो चुका है। देखते क्या होता है। आकाश भाई ने झटका किया, उन्होंने ऊंचा मुंडा पे थपक के काट दिया। इसी का साथ एक पैच पूरे कर लिया गोपाल भाई।